अल्टीमेटली इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो बैन हो गए, अब पोलिटिकल पार्टीज फंड रिसीव नहीं कर सकती। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, कुछ और चेंज करते हैं या कुछ और किसी और मीडियम से पैसे रिसीव करना शुरू करते हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट है। जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होगी उतना उसको फंड ज़्यादा चाहिए होगा, उसको इलेक्शन लड़ने के लिए उतने ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी, इंडिया की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बाकी रीजनल बड़ी पार्टीज कई सारी हैं, समाजवादी पार्टी रीजन में सबसे बड़ी पार्टी रही कभी किसी ज़माने में, साउथ इंडिया के अंदर डीएमके, एआईएडीएमके, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बहुत बड़ी पार्टी रही किसी ज़माने में, और उसके बाद बीजू जनता दल है ना, दे ऑल रिसीव्स फंड। फंड कौन मना करता है, पैसा आना पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिक्स में आती लोग इसी कहते हैं, सो दैट दे अर्न मनी, और मनी अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पार्टी फंड में पैसे जमा करो, एंड विद दैट मनी तो लग्जरी है, सब नेता लोग इंजॉय करते हैं उसी पैसे को। एनहेंसिंग पल्सेस प्रोडक्शन चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एंड गवर्नेंस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सो पल्सेस हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, पल्सेस असेंशियल हैं इंडिया के अंदर, दुनिया में सबसे ज़्यादा पल्सेस की कंजम्पशन इंडिया में है, और इंडिया पल्सेस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंजम्पशन भी है, प्रोटीन का सोर्स भी है, प्लस राइजोबियम इसके अंदर जो है, जो बैक्टीरिया है उसको अगर हम लोग पल्सेस लगाते हैं तो उसे नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है फील्ड की वो भी पूरी होती है। बट क्या है कि ग्रेजुअल प्रोसेस में धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते चले गए तो उन्होंने दालों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, इंडिया में दालों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक्सेसिव बढ़ गई, फिर हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ी। आज से 10 साल पहले जो फार्मर्स हैं उन्होंने दालों की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया, रीज़न उसके पीछे एमएसपी नहीं था, तो उसके बाद चेंजेस आए, अब दालों की रिक्वायरमेंट इंडिया में ठीक ठाक है, डिमांड भी ठीक ठाक बनी हुई है। सो ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस इन एनुअल गैदरिंग ऑफ द पल्सेस प्रोडक्शन प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स हैज हाईलाइटेड द नीड ऑफ इंडिया टू बूस्ट इट्स प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस टू मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। द आर्टिकल एग्जामिन्स द करंट state of pulses production in India, the benefit of pulses cultivation, challenges faced by government measures taken on increased production. Pulses production in India, a snapshot, India hold a prominent position in the global pulses dynamics, being the largest producer, 25% jo pulses India produce karta hai, consumer 27% and importer 14% of pulses jo India mein import hoti hai. Pulses cover about 20% of the food grain area and contribute 7 to 10% of total food grain production. While both kharif and rabi season can they witness pulses cultivation, over 60% of total production comes from the rabi crops. So 60% jo pulses hain rabi crops se aayengi. Gram leads to the production of 40%, followed by tuar, arhar and black urad dal and moong 8 to 10% each. Regions with a high productivity include Punjab, Haryana, western UP, west bengal, delta regions, coastal region ke andar Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, coastal and eastern Karnataka and parts of Maharashtra, despite being the top producers of consumer India resorts, the import notably masoor and tur to address the domestic shortage. Jo daale hum log jo hain wo Africa se import karte hain ya fir America se bhi karte rahe, aur kuch kuch daale India ki America se bhi, kyunki America mein production bahut zyada hai, Africa se normally hum log daale import karte hain. Benefits of pulse production kya hai, nutrition value, pulses are rich in protein, dietary fiber, vitamin and mineral, contribution to improve nutrition and overall health. और इंडिया में कुछ 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 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर दाल रूटीन में खाई जाती है, जैसे बनिए रोज़ मूंगी की दाल खाते हैं, जैसे बिहार और यूपी के अंदर, खास तौर के ऊपर वेस्टर्न यूपी के अंदर अरहर की दाल मतलब डेली खाई जाती है सब्जी के साथ, तो रूटीन का एक पार्ट है। बाकी पंजाब में भी दालों का खूब कल्चर है, काली दाल यहाँ पर, उड़द की दाल खूब खाई जाती है, माँ की दाल कहते हैं जैसे। और सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, पल्सेस हैव द यूनिक एबिलिटी टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, इनहेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रमोटिंग sustainable agriculture practice, income generation, pulses often additional income streams to the farmer, especially small holders due to their relative high market value. Pulses ki market value high rehti hai, but pulses ki comparatively production India mein utni zyada nahi hai, production nahi hai, uske piche reason jo hai soil ki category, farmer ka aware nahi hona, seeds ki quality ka bahut acha nahi hona, there are so many factors na, to iske ke the most of the pulses of recent days mein what we have seen, the pulses are imported to India. And climate resilient, pulses contribute to climate change mitigation, sequestration carbon in the soil and requiring less water, making them resilient to drought conditions. Pulses ki sabse khasiyat baat hai, khas hai ki wo tough conditions mein bhi produce ho jati hain, aur Madhya Pradesh ke andar aur un sabhi areas mein jo MP ke niche ke areas hain wahan par pulses ki jo production hai khoob hai, Punjab mein bhi pulses, Punjab Haryana mein bhi, aur
कुछ एरियाज में, ईस्टर्न राजस्थान के एरियाज में भी पल्सेस की प्रोडक्शन जो है वो ठीक ठाक अच्छी प्रोडक्शन है। सो इनकरेज करना चाहिए फार्मर्स को, और ठीक ठाक अभी रेट मिल भी रहा है, इस करके प्रोडक्शन भी इंडिया में कंपैरेटिवली बड़ी है। चैलेंजेस हिंडरिंग पल्सेस प्रोडक्शन क्या है? लो प्रोडक्टिविटी, हिस्टोरिकल निगलेक्ट एंड यील्ड इनस्टेबिलिटी हिंडर पल्सेस प्रोडक्शन। तो पास्ट में देखा हम लोगों ने फार्मर्स ने पल्सेस उगानी बंद कर दी थी और फिर बाहर से हम लोगों को इम्पोर्ट किया, फिर इंडिया के अंदर इसको प्रमोशन हुआ। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ग्रोन इन रेन फेड एरियाज पल्सेस आर ससेप्टेबल टू इरेटिक रेनफॉल एंड ड्राउट्स लीडिंग टू द यील्ड फ्लक्चुएशन। और इसके बाद रेसिडुअल क्रॉप स्टेटस क्या कहता है? पल्सेस आर ऑफन कंसिडर्ड रेसिडुअल क्रॉप कल्टिवेटेड इन लेस फर्टाइल लैंड्स विद अ लिटिल फोकस ऑन पेस्ट एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। प्रेफरेंस टू कैश क्रॉप्स, फार्मर्स में प्रायोरिटाइज कैश क्रॉप्स लाइक राइस। हाँ देखिए, मेजर रीजन यही है, राइस, वीट एंड शुगर केन ड्यू टू द अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, हाई मार्केट प्राइसेस, परसीव्ड लोअर प्रोडक्शन रिस्क। अब यहाँ पर एक एमएसपी का जो फैक्टर है वो यहाँ पे काम करता है पल्सेस के केसेस में, हालांकि गवर्नमेंट पल्सेस को जो है एमएसपी उसके ऊपर देती है, बट ये है कि आप गेहूं और चावल की तरह, वीट एंड राइस की तरह डायरेक्टली इसको जाके मंडी में नहीं बेच सकते, यू नीड टू फाइंड द मार्केट, यू हैव टू वेट ना पल्सेस को बेचने के लिए। ये एक आस्पेक्ट इसके अंदर ये है कि एक जो हिंड्रेंस जो आती है यहाँ पर, दैट इज द पल्सेस आर नॉट सोल्ड डायरेक्टली टू द मार्केट, जैसे राइस चावल, राइस वीट एंड आप शुगर केन बेच लेते हैं, तो इसी क्योंकि फार्मर इस राइस वीट शुगर केन से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या हैं? स्टोरेज इश्यूज इंक्लूडिंग एक्सेसिव मॉइस्चर एंड पेस्ट अटैक कंट्रीब्यूट टू द पास्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो ये भी एक आस्पेक्ट है। एंड फार्मर में प्रायोरिटाइजेशन कैश क्रॉप हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन रिस्क के अंदर ज्यादा रहते हैं, तो दीज आर सम हिकअप्स। और अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, खासतौर के ऊपर स्टेट्स नीड टू टेक द इनिशिएटिव, और स्टेट एज गवर्नमेंट ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फार्मर की एक ऐसी चीज है कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती। अब क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर लैंड जो है ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती, उनको पता है कल को खरीद लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी बेचने के अंदर, तो होना तो ये चाहिए। अगर देयर इज अ सॉल्यूशन कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में फार्मर को फिक्स कर दें कि आपको इस एरिया में ये उगाना है और दूसरे एरिया में ये उगाना, तो उससे क्या होगा कि फार्मर को प्राइसेस जो वो ठीक ठाक मिलते रहते हैं। बट द पॉइंट इज, इंडिया में डिप्लोमेसी या इंडिया में जो पॉलिटिक्स सभी सब्जेक्ट पर होती है कि प्रोडक्ट सस्ते बिकने चाहिए, सस्ते बिकेंगे तभी जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो सस्ता बिक जाएगा। तो ये भी है कि प्रमोशन भी होती है कि आप ज़्यादा उगाओ, जितनी ज़्यादा उगाओगे उतनी रेट कम रहेंगे, तो फिर वोट उसी से मिलेगा अगर रेट कम रहेंगे, तो ये भी एक आस्पेक्ट है। तो गवर्नमेंट मेजर्स टू बूस्ट प्रोडक्शन क्या है? पीएम आशा, द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट टू द पीएम आशा स्कीम इंश्योरिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स फॉर ऑयल सीड पल्सेस एंड कोबरा, कोबरा मतलब नारियल वगैरह। तो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड्स पल्सेस ऑफ ऑयल पाम एंड मेज आइसोपॉम लॉन्च्ड इन द मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स, दिस स्कीम एम्स टू बूस्ट प्रोडक्शन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इंप्लीमेंट ऑफ द एनहेंस प्रोडक्शन थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी improvement in all districts, research and development. The Indian Council of Agriculture Research, ICAR, collaborates with the state agriculture universities for research on high yielding pulse varieties. Rashtriya Krishi Vikas Yojana hai, under this scheme states can undertake pulses development program. To ye government schemes hai, government programs hai, isko aap apne aap se notes bana sakte hain iske. Aur ye dekho ki abhi aane wale time ke andar kya hai, ki diversification jitna zyada hoga, as we have discussed, agar India mein food processing ki market जो है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और देर इज पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम के अंदर रेडीमेड फूड का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, पल्सेस की डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी, एज वी हैव सीन के पिछले कुछ सालों के अंदर जो कमर्शलाइजेशन हुआ है एग्रीकल्चर का, और उसी के अंदर वीट, जिसकी वीट के साथ साथ मेज़ है जिसकी इंडिया में डिमांड नहीं होती थी, अब वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मार्केट में बिकना शुरू हो गया। अब जैसे कॉर्न है तो वो हाउस होल्ड्स में भी, क्योंकि वो स्वीट कॉर्न टाइप की चीज़ें अमेरिका से नए सीड्स आ गए, कंपैरेटिवली स्वीट होते हैं, तो वो डेली जो यूजेजेस हैं उसमें कंपैरेटिवली उसका रोल जो है बढ़ता जा रहा है। तो ग्रेजुअली फार्मर्स को बेनिफिट होगा कि डाइवर्सिफाई करेंगे अपने फूड हैबिट्स को, हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, देन वी विल सी दैट द कंडीशन विल डेफिनेटली चेंज स्पेसिफिकली फॉर फार्मर्स एंड स्पेसिफिकली इन दिस एरिया वेयर एवरीबडी इज ईटिंग द पल्सेस, एवरी फैमिली इज ईटिंग द पल्सेस एंड और रूटीन में है या नहीं रूटीन में है, दैट इज सेपरेट इशू, बट द पॉइंट इज द डिमांड इज देयर, सो उसको रेगुलेट करने की रिक्वायरमेंट है, बस और कुछ नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज अपनी नहीं लेके आए तो उसमें देयर इज पॉसिबिलिटी कि फार्मर्स की कंडीशन भी इम्प्रूव होगी, और इसी तरह से फार्मर एजिटेशन भी कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे, एंड इंडिया की जो डिपेंडेंसी है और इम्पोर्ट्स है वो भी कंपैरेटिवली डिक्रीज होगी। सो
future overlooking, while in India, while India has achieved self-reliance in certain pulses, consistent efforts are directed towards attaining self-sufficient in all pulses 2027. To achieve this, increasing farmer awareness and capacity building initiatives are crucial for improving productivity and production level in the pulses sector. हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स एम्बर बॉक्स. अगर गवर्नमेंट को पल्सेस बढ़ानी है पल्सेस की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंपैटिबिलिटी रेट कम होंगे तो उसके लिए रिसर्च एंड ये वो सब ग्रीन बॉक्स की कैटेगरी में आएगा फिर. और ये एस्पेक्ट्स हैं इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया की रिक्वायरमेंट भी है और वर्ल्ड प्रेशर भी है. हमारी रिक्वायरमेंट है फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचाना प्लस वर्ल्ड प्रेशर भी है WTO का कि आप धीरे धीरे करके जो सब्सिडीज हैं उनको रिड्यूस करें. और तब पॉसिबल होगा जब डाइवर्सिफाई हो जाएगी इंडियन एग्रीकल्चर जो डाइवर्सिफाई हो जाएगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. डाइवर्सिफाई हो जाएगा तो वन फूड ग्रेन के ऊपर फार्मर्स की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और ऑब्वियसली जब मार्केट फोर्स इन सबको हैंडल करने लग जाएंगी तो प्राइसेस में एक सिमिलैरिटी एक लेवल आ जाएगा सब इक्विलेंट हो जाएगा. तो देयर इज पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम के अंदर ऐसा होगा. सरकार स्कीम्स बनाएंगी और ज़्यादा अवेयर होंगी. तो ये एक फील्ड ऐसी है जहाँ पर सच में कुछ कुछ दिक्कतें रही हैं तो फार्मर एजिटेशन कुछ कुछ समझ भी आता है. हालांकि इसमें पॉलिटिक्स का भी एस्पेक्ट है. इंक्लूजन द ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस सर्व्स एज द प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन पल्सेस प्रोडक्शन एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस टू एनहेंस द पल्सेस सेक्टर इन इंडिया.